Hey guys, welcome back to my channel Brain Boosting Activities. I hope you all are doing great. आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कन्वर्टिंग मीट्रिक मास. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे शेयर किया था कि किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करें, ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करें. आज मैं आपको बताऊँगी, उसमें एक स्टेप हम आगे जाएंगे कि अगर आपने 6 kg एप्पल्स लिए और आपके फ्रेंड ने 2 kg एप्पल, तो टोटल आपके पास कितने एप्पल्स हैं. ओके, क्लियर है ना आपको कि आपने कितने लिए, 6 kg एप्पल्स, और आपके फ्रेंड ने लिए 2 kg एप्पल्स. टोटल आपके पास कितने हुए, टोटल आपके पास हुए 8 kg. टोटल एप्पल्स आपके पास है 8 kg. अब ये तो बहुत इजी था, हमने बता दिया कि हमारे पास 3 kg थे और उसके पास 4 kg थे, तो 7 kg. बट प्रॉब्लम कहाँ होती है, उसने लिए थे 5 kg 350 ग्राम एंड हमने लिए थे 3 kg 150 ग्राम. अब टोटल हमारे पास कितने एप्पल्स हैं, तो अब इसे कैसे सॉल्व करना है. तो हमने क्या किया, एक साइड kg ग्राम, तो हमने किलोग्राम को एक साइड लिख लिया और जो हमारे पास ग्राम थे उन्हें अलग साइड पर लिख लिया. तो ये लिखा 3 kg 350 ग्राम एंड 150 ग्राम. ओके, क्लियर है. हमने क्या किया, किलोग्राम और ग्राम को सेपरेट लिख लिया. यहाँ पे किलोग्राम था, वहाँ पर हमने 5 kg और 3 kg वेट लिखा, और जहाँ पर ग्राम था वहाँ पर हमने 350 और 150 ग्राम लिखा. अब हमें टोटल बताना है कि हमारे पास टोटल एप्पल्स कितने हैं. टोटल हमारे पास कितने हैं, 8 kg 500 ग्राम एप्पल्स हमने लिए. ग्राम को ऐड कर दिया हमने, यहाँ पर किलोग्राम को ऐड किया हमने, तो टोटल हमारे पास जो निकला वो निकला 8 kg 500 ग्राम एप्पल्स हमारे पास टोटल. एक और एग्जांपल देखते हैं हम, कि हम 6 kg 450 ग्राम है और हमारे फ्रेंड के पास है 2 kg 250 ग्राम, तो टोटल कितने हुए. तो हमारे पास, हमें टोटल निकालना है कि हमारे पास टोटल कितने एप्पल्स हुए. 0 0 4 2 700 ग्राम एंड 8 kg. ओके, तो हमारे फ्रेंड ने 6 kg 450 ग्राम एप्पल्स लिए थे, हमने 2 kg 250 ग्राम एप्पल्स लिए, तो हमारे पास टोटल कितने एप्पल्स आए, 8 kg 700 ग्राम एप्पल्स हमारे पास हैं. अब अगर हमें इसी में ये निकालना है कि हमारे फ्रेंड ने तो लिए थे 5 kg 350 ग्राम एप्पल्स और हमने लिए 1 kg 150 ग्राम, तो डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, डिफरेंस कितना है. जब डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो हम दोनों को क्या करेंगे, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, 0 0 2 4. यूनिट्स जरूर लिखें, यूनिट्स लिखना बिल्कुल नहीं भूलें. 4 kg 200 ग्राम का डिफरेंस है. ओके, तो यहाँ पर हमने उसे क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया. अब अगर हमारे फ्रेंड ने 5 kg और 850 ग्राम एप्पल्स लिए और हमने 2 kg ग्राम एप्पल्स लिए, अब दोनों में डिफरेंस देखिएगा. अब हमने कितने लिए, 5 kg 850 ग्राम और हमारे फ्रेंड ने लिए 2 kg 950 ग्राम एप्पल्स, तो अब हमारे दोनों के एप्पल्स जो लिए उसमें कितना डिफरेंस है, 0 0. यहाँ से तो ये कितना हो गया, 1850 ग्राम. अब हमने इन्हें माइनस किया. ओके, तो हमने क्या किया, जो 1000 था
इससे वन लिया तो हमारे पास कितना आया, 1000 ग्राम आया, 1000 ग्राम, तो हमने वन से 1000 ग्राम हुआ तो ये हुआ 1850 ग्राम, माइनस किया 950 ग्राम को, हमारे पास कितने ग्राम्स आए, 900 ग्राम्स, एंड यहाँ पर हमारा हो गया 4, तो ये 2 kg, तो हमारे पास कितने का डिफरेंस है, 2 kg 900 ग्राम का डिफरेंस है। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, सो गाइज प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड अगर आप नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी सारी वर्कशीट्स मैं फेसबुक पेज पर शेयर करती हूँ, वहाँ पर मैं आपके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे सॉल्व करूँगी। And thanks for watching. Take care. Bye-bye.